paso. वो दिख रहा है कि तुम भीग के आए हो, बहुत अच्छा किया। आपको गुस्सा नहीं आ रही है बारिश में भीग कर आए हो? गुस्सा करने की तो कोई बात नहीं है, हाँ अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती तब तुम भीगते तो मुझे गुस्सा आता, पर तबीयत ईश्वर कृपा से ठीक है तो अगर भीग के भी आए तो क्या दिक्कत है, इंजॉय तो करना ही चाहिए हर चीज को, है ना। पर ये बताओ कि तुमने अपनी आर्ट फाइल पूरी कर ली है? अम्मा स्कूल में मुझे हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आता है, मैथ साइंस ये सब समझ में सब समझ गया। तो इन सब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ? स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट, स्कल्पचर, इन सब का क्या मतलब हुआ? बेटा ये सारे सब्जेक्ट्स मिला के ही एक टोटल पर्सनालिटी बनती है किसी भी बच्चे की। देखो साइंस मैथ्स इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के पास एक साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप होता है, उसे कैलकुलेशंस आते हैं, वो ज़िंदगी को समझ सकता है। लेकिन लैंग्वेजेस इसलिए ज़रूरी है, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे अगर लैंग्वेज नहीं आई तो। स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिजिकली फिट रहना है। अब बात रही आर्ट, म्यूज़िक और स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्रिएटिविटी लेवल को इन्हांस करती हैं। आप समझ रहे हो क्रिएटिविटी? अम्मा क्रिएटिविटी ज़रूरी है क्यों है? बेटा क्रिएटिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एक ऐसी क्वालिटी है जो मनुष्य को पशु पक्षी से अलग करती है। तुम्हें पता है एक साइकोलॉजी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पावलोव नाम के, उन्होंने क्या किया था, कुत्ते को ट्रेन किया था कि जैसे ही घंटी बजेगी तो कुत्ते को ये पता चल जाएगा कि अब उसे खाना मिलने वाला है और उसके मुँह से सलाइवा निकलने लगेगा। जैसे ना कुत्ते को पता चल जाता है तो लार सा गिरता है ना मुँह से, उसने उस कुत्ते को ट्रेन कर दिया था जब भी घंटी बजेगी कुत्ते को समझ में आ जाएगा कि खाना मिलेगा और उसके मुंह से वो सलाइवा गिरने लगेगा। तो हम पावलोव के कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट में डॉग नहीं है, हम क्रिएटिव पर्सन हैं इसलिए हम मनुष्य हैं, तो हमें मशीन से अलग ही हमारी क्रिएटिविटी करती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्रिएटिव होना इसलिए ज़रूरी है क्रिएटिव पर्सन अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, क्रिएटिव पर्सन इमोशनली स्टेबल होता है, क्रिएटिव पर्सन को इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसे लगता है मैंने कुछ किया है, कुछ मेरे भी हाथ में है, इसलिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा वासु, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। अब इंजीनियर तो बन गए, पर एक क्रिएटिव इंजीनियर कैसा होगा जिसने उसी पुल को बहुत सुंदर सा बनाया, उसमें बहुत सुंदरता, कुछ यूनिकनेस हो। तो इसलिए क्रिएटिविटी हर एक फील्ड के साथ ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम कोई टेक्निकल लाइन पढ़ रहे हैं तो अब हमें क्रिएटिव नहीं होना है। क्रिएटिव होने से ही हम चीज़ों को बदल पाते हैं। एक बहुत फेमस कोटेशन है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अम्मा अगर क्रिएटिविटी इतनी इम्पॉर्टेंट है तो उसे डेवलप कैसे करें? गुड क्वेश्चन, क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करें? फिर वही बात है, सबसे पहले पेरेंट्स को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अब मान लो पापा ऑफिस से आए और अपना कुर्ता इधर, मोज़ा उधर, टॉल उधर, तो बच्चा क्या सीखेगा कि मैं भी स्कूल से आके जूता इधर, मोज़ा इधर, शर्ट इधर, शॉर्ट उधर कर सकता हूँ, है ना। तो सब चीज़ें सिस्टम से बाहर हो जाएंगी। और यही अगर पेरेंट्स हर चीज़ सलीके से रखें, जब वो उठें सोफे पर से तो उसका सोफा कवर ठीक कर दें हाथ के हाथ, बेड से उठे तो बेड में से कोई रिंकल्स रहे ना इसका ध्यान रखें, कोई सुंदर सा फ्लावर पॉट रखा है उसमें एक रोज बड डाल दिया, ठीक है, कपड़े भी सलीके से पहने, ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया, ठीक, कपड़ा महंगा होना ज़रूरी नहीं है, उसे सलीके से पहनना ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चा जब उस पूरे माहौल में देखता है कि मेरे पेरेंट्स तो कितने ऑर्गेनाइज्ड, कितने क्रिएटिव तरीके से रहते हैं, उनकी हर चीज़ में एक सलीका झलकता है, तो बच्चे भी क्रिएटिव होना सीख जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका मतलब समझे, घर में एक क्रिएटिविटी का माहौल होना ज़रूरी है। हर जगह सामान बिखरा पड़ा अगर रहेगा तो बच्चा कभी भी क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, राइट? यानी कि हर लर्निंग की शुरुआत कहाँ से होती है? पेरेंट्स से।
ठीक है, पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप खुद कल्पना करके देखिए, आप सवेरे सो के उठते हैं और सो के उठने के साथ ही आपने कुछ भजन लगा दिए अच्छे अच्छे से। ठीक है, आपके भजन में रुचि नहीं है, आपने कुछ पुराने गाने लगा दिए, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक लगा दिया, घर में कितना अच्छा सा वातावरण, एक दो अगरबत्ती सुलगा दी, खुशबूदार महकता हुआ सुंदर वातावरण, बच्चा क्रिएटिव होगा ही होगा, राइट वासु? और जिन पेरेंट्स को म्यूजिक का शौक नहीं है या म्यूजिक नहीं आता है, फिर वो क्या करें? बच्चे के अंदर वो टैलेंट डेवलप करने के लिए किसी म्यूजिक टीचर की सपोर्ट लें, उसे किसी आर्ट टीचर के पास भेजें। और आजकल तो कितनी सारी चीजें हैं कंप्यूटर पे, अब बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल देना ही है, कंप्यूटर पे उन्हें बैठाना ही है, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए, ऑफ कोर्स वो भी रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए। आपको पता है जब मैं छोटी थी तो ऐसे लिखती थी 10, फिर उसके नीचे 6 और उसके नीचे 4, और उसको ऐसे जब राउंड कर देते थे तो एक आदमी का साइड फेस बन जाता था। हाँ, अदरवाइज मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था ड्राइंग में, पर मैंने ऐसे डेवलप किया। इतनी कितनी सारी ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें आप एक एग बनाते हैं और उस एग के बाद उससे बर्ड, उससे डक्स, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट जब उन्हें लगता है यार दिस इज सो सिंपल, ये तो हम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर हमें ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी कि वो क्रिएटिव हो। अच्छा वासु, पता है जैसे मान लो आपकी कोई टी शर्ट पुरानी हो गई हो या जल गई हो प्रेस से, तो बच्चों को ऐसे केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उन्हें ये कहना चाहिए आओ चलो हम इसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब बच्चे को दिमाग लगाने दो, क्या कर सकते हैं उसमें, क्या हम उसमें कोई पैच वर्क करें, हम उस पर कोई स्टिकर लगाएं, इस तरीके की चीज़ें। ये नहीं कि अब पुराना हो गया तो इसे रिजेक्ट करके फेंक दें, हम उससे और नया क्या बना सकते हैं। समर हॉलीडेज में बच्चों को यही एक काम दें, देखो उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी ही आएगी। और पेरेंट्स भी बिना फायर वाला कुछ भी ऐसा मेन्यू बच्चों से बनवाएं, वो भी एक क्रिएटिविटी है। जब बच्चा अपने हाथ से कोई वेजिटेबल सैंडविच बनाना सीखे, है ना वासु, जैसे आप बनाते हो, तो बच्चे को समझ में आता है अच्छा अब हम इस पे खीरा ऐसे लगाएंगे, इस पे टमाटर ऐसे लगाएंगे, उससे एक फेस बन जाएगा। अच्छा वासु, इसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। खाली आर्ट बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, स्कल्पचर करना, कुछ किचन में बनाना, यही क्रिएटिविटी नहीं है? हम कुछ अच्छा सा लिखें, हम कोई पोइट्री लिखें, हम कोई कहानी लिखें, ये भी क्रिएटिविटी है। और इसके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं जो बच्चों को देना चाहिए और साथ में पेरेंट्स को करना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं, जैसे हमने बच्चे को बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जैसे कहानी, पानी, सुनानी, और उससे कहा अब ऐसी कोई लाइन्स बनाओ जिसमें लास्ट में यही वर्ड आए, ठीक है, तो बच्चा उसको डेवलप कर सकता है एक पोइट्री की तरह। लेकिन फिर वही बात है, इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं होना चाहिए, चलो वासु टाइम हो गया, नाउ इट इज़ टाइम फॉर क्रिएटिव राइटिंग, चलो वासु टाइम हो गया, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द आर्ट क्लास, वो नहीं, फिर तो वो पढ़ाई होगी, इसमें क्या मजा है, है ना। तुम कुछ ज़्यादा ही भीगे हो आज, है ना। हाँ, पर ठीक है, कभी कभी ऐसा भी इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। अच्छा वासु, तो तुम ये तो समझ गए कि क्रिएटिव होना क्यों ज़रूरी है, तुम ये भी समझ गए हम क्रिएटिव क्यों नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जब हमारे पेरेंट्स हमें वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम्हारे बचपन का, बच्चे तो तुम अभी भी हो लेकिन जब तुम और छोटे थे तब का एक किस्सा बताती हूँ। हमारे घर में ना एक वॉल थी और तुम्हारी हर बच्चे की तरह आदत थी वॉल्स पे स्क्रिबल करने की, कुछ ना कुछ लिखने की, ड्राइंग करने की। तो मैंने तुम्हें एक दिन पकड़ के अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया, वासु ये वाली पूरी वॉल तुम्हारी है लेकिन बाकी किसी वॉल को टच मत करना। तुम इस बात पे इतने खुश हो गए थे, ये पूरी वॉल मिलेगी मुझे कुछ भी करने के लिए, क्योंकि रोज तुम्हें डांट पड़ती थी वॉल पे मत लिखो, वॉल पे मत लिखो, दीवारें खराब हो रही हैं। मैंने कहा ये पूरी वॉल तुम्हारी, डू व्हाटएवर यू वांट। तुमने फटाफट जाके पेंट बॉक्स निकाला, क्रेयॉन्स निकाले और तुमने पूरी वॉल पे पता नहीं क्या क्या बनाया था, पता है, कहीं लीव्स बनाई थी, कहीं फ्लावर्स बनाए थे, कहीं बर्ड्स बनाए थे, कहीं और क्या बनाया था वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, ठीक है, कुछ भी मतलब। और जब वो पूरी वॉल तुमने ऐसे अलग अलग चीज़ों से भर दी, उसके बाद हमने उसमें कुछ स्ट्रोक्स दे दिए बीच बीच में, कहीं कहीं ऐसे स्केच पेन से फ्रेम्स बना दिए, पूरी वॉल पे एक फ्रेम सा दे दिया था पेंट ब्रश से,
और फिर जो भी घर में आता था वो कहता था, वाओ ये वॉल आपने कौन से पेंटर से बनवाई है, हमें भी उसका एड्रेस चाहिए। तो हम कहते थे ये है साक्षात पेंटर। यू वोंट बिलीव, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। वो कहते थे क्या ये वासु ने पेंट किया है? तो मैं कहती थी पेंट नहीं किया है, उसने तो उसको स्क्रिबल किया है। लेकिन अब ये पेरेंट्स के हाथ में है कि वो उस स्क्रिबलिंग को कैसे एक मास्टरपीस बना सकते हैं। गॉट इट? तो क्या मैं अभी भी दीवार में स्क्रिबल कर सकता हूं? नो वासु, वो छोटे बच्चों के लिए होता है। अब स्क्रिबल करोगे तो पापा तुम्हारे